हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो उस प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत जगह यूज किया जाता है। आगे भी आप 11th क्लास में 12th क्लास में इसके एक्सपेरिमेंट भी करोगे, मशीन यूज करवाएंगे आप लोगों से। तो यहाँ पे होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी डेंसर पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे, एट द बॉटम। जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में आ जाएंगे, जो भी लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप पे रहेंगे। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो मशीन होती है ये बहुत तेज तेज घूमती है, रोटेट करती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि इन्होंने टेस्ट ट्यूब में कोई मिक्सचर लिया हुआ है और वहां पे सेपरेशन नजर आ रहा है आपको, अलग अलग चीजें नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि वो रोटेट हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स की जाती है टेस्ट ट्यूब की, प्लेसमेंट हो रही है और उसके बाद क्या होता है, रोटेट करवाया जाता है इसको। बहुत तेज मूवमेंट होती है इसकी, ऐसी हल्की फुल्की नहीं होती, बहुत तेज मूव करती है ये। और उसके बाद क्या होता है, हमें क्रीम मिल जाती है एट द बॉटम, क्योंकि क्रीम कैसी है, हैवी है। और ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, सारा मिल्क मिल जाएगा। तो मिल्क में से अगर आपको क्रीम निकालनी है, यू कैन मेक यूज ऑफ प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। जो भी डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ और जो भी मिल्क होगा वो ऊपर की तरफ, क्योंकि वो कैसा है, लाइटर पार्टिकल्स में आएगा। अब आता है कि इसके एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन एक तो ये हो गया कि क्रीम निकालनी है फ्रॉम मिल्क। सेकेंड एप्लीकेशन ये होता है कि जो हमारी टेस्टिंग होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, तो उसमें क्या चेक करते होंगे ये, बेसिकली वो देखते होंगे कि ब्लड में कोई अनवांटेड पार्टिकल्स तो नहीं है। तो ब्लड क्या करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा और कोई भी अगर अनवांटेड पार्टिकल होगा तो उनको अलग से नजर आएगा, तभी तो वो बता पाते हैं कि हाँ ये कमी है या ये प्रॉब्लम है। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही होता है प्रोसेस। यूरिन टेस्ट भी होता है इसी से पता चलता है कि किसी ने ड्रग तो नहीं लिया। तो वहां होगा क्या, दे विल टेक योर यूरिन एंड दे विल टेस्ट दैट, और टेस्ट में अगर यूरिन के साथ इफ एनी अदर पार्टिकल इज देयर तो वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा अगर हैवी होगा तो, एज कम्पेयर टू यूरिन। तो जो भी हैवियर पार्टिकल होगा नीचे या ऊपर होगा और उससे पता चल जाएगा कि हाँ कुछ अलग पार्टिकल है उसके अंदर, कि ड्रग्स है या नहीं है। सेकेंड आई यूज इन डेरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, अभी जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड इज यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। अब ये भी सेम प्रोसेस है, जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है उसके साथ वाले पार्ट में ड्रायर होता है। अब ड्रायर का काम क्या है, वो बहुत तेज तेज रोटेट करता है। अब वो रोटेट करके क्या कर रहा है, जो भी पानी है गीले कपड़ों में, वेट क्लोथ्स में जो भी पानी होगा वो सारा सूख जाता है। कैसे सूख जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज तेज रोटेट कर रहा है, इसी प्रोसेस पे बना हुआ है वो भी। जितनी ज्यादा तेज रोटेशन होगी उतनी जल्दी पानी सूखेगा। So this is the same process used in washing machines as well. So this is all about centrifugation. I will start with the next topic in the next video. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.